नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं कुंडली टीवी की खास पेशकश आपका राशिफल में। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं आपका शुभ अंक, आपका शुभ समय, आपका शुभ रंग और आपकी शुभ दिशा। राशि अनुसार उपायों के साथ साथ आपको बताएंगे जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ का विशेष उपाय, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे आज का महा उपाय जो आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर भगाए। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तो आज गुरुवार का दिन है, तारीख है 19 सितंबर 2019। अश्विन कृष्ण पंचमी पर चंद्रमा वृष राशि और भारणी नक्षत्र में रहेंगे। आज का भाग्यांक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य, राहु काल रहेगा दोपहर को 1:46 से लेकर शाम को 3:16 तक, कृतिका नक्षत्र रहेगा सुबह 8:46 के बाद में, और प्रदोष काल रहेगा शाम को 6:18 से लेकर शाम को 7:30 तक। और विशेष क्या है, कार्तिकाई दीपम पर्व है और पंचमी का श्राद्ध है। आइए इस बारे में विशेष जानते हैं। आज प्रदोष काल में कृतिका नक्षत्र के होने से अश्विन माह की कार्तिकाई दीपम पर्व को मनाया जाएगा। इस पर्व का मूल है अग्नि और सूर्य का नक्षत्र कृतिका। आज के उपायों से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है, आर्थिक नुकसान से आपका बचाव होता है और दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज का विशेष उपाय क्या करें। आप प्रदोष काल में शिवलिंग की षोडश उपचार पूजा कीजिए और पीतल के दिए में घी का दीपक शिवलिंग के निमित्त कीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से आज का विशेष मंत्र ओम अघोर मूर्ति स्वरूपणे नमः, इसका जाप कीजिए और उसके बाद में मौली में 13 पीपल के पत्ते पिरोकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज के साथ में। आज अध्यात्म की और रुचि बढ़ सकती है आपकी। परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। यात्रा करने से पहले सभी जरूरत की चीजों को साथ रखना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी दोस्त को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन करियर से रिलेटेड नए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए बहुत शुभ रह सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम, शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 तक का, और उपाय के तौर पर शिवलिंग के समीप यानी कि पास में पीत चंदन से धूप कीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। आज आपका दिन मौज मस्ती में बीत सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी के साथ मूवी देखने का प्लान भी बन सकता है और आज आप शाम को जा भी सकते हैं। मौसमी बीमारियां आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। बेहतर होगा कि आज अधिक से अधिक पेय पदार्थ यानी कि लिक्विड पीने की कोशिश करें। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, और शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 तक का, और उपाय के तौर पर शिवलिंग के पास में पीतल के दीपक में 6 दीपक जलाएं। बात करते हैं राशि नंबर 3 मिथुन यानी कि जमनाय की। आज आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित कर सकता है। आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। इस राशि के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रह सकता है। बिजनेस में नई योजना बन सकती है। धन लाभ के योग भी प्रबल बन रहे हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम, शुभ समय रहेगा दोपहर में 12 से लेकर दिन में 1:30 तक का, और उपाय के तौर पर शिवालय में सरसों के तेल का 9 दीपक करें। बात करते हैं चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। आज किसी से अपनी निजी बातें शेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में काम का बोझ आज बढ़ा चढ़ा रह सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से कुछ बेहतर रह सकती है। इस राशि के जो विवाहित हैं उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी आपके प्रति संवेदनशील रह सकता है। आज के लिए आपका शुभांक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व, और शुभ समय रहेगा शाम को 6 से
शाम को 7:30 बजे तक का और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर बेल फल चढ़ाएं। तो अब समय है जन्मदिन के विशेष उपाय का। क्या करें आप? पितृ यंत्र पर चढ़े 11 अशोक के पत्ते मेन गेट पर बांध दीजिए, इससे रोजगार में तरक्की मिलेगी। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। आज आपका मन एकाग्र रह सकता है, आपका मन कामकाज पर ज्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सक्रियता लाने से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। नए बिजनेस में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रह सकता है। वर्किंग लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आनंदमय रह सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा रहेगी उत्तर, शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक का और उपाय के तौर पे पानी में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने जा रहा है। कम मेहनत करने से भी कामयाबी जरूर मिल सकती है। जीवन साथी के साथ लंबे समय से चले आ रहा मनमुटाव खत्म हो सकता है। आपके रिश्तों में मिठास भी बढ़ सकती है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम, शुभ समय रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर दिन में 1:30 बजे तक का और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर मौली बांधें। बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन बेहतरीन रह सकता है। आज खर्च कम होगा और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार के किसी सदस्य से अनबन भी आपकी हो सकती है, आप थोड़ा अशांत भी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आपके अधूरे काम भी पूरे हो सकते हैं। आज के लिए आपका शुभांक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा मेहरून, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व और शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर चढ़ा पीला फूल जेब में रखें। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लेंगे आप। आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए रास्ते आज खुलते हुए नजर आ सकते हैं। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रह सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम, शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक का और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर गुड़ और दही से अभिषेक करें। तो अब समय है आज के विवाह वर्षगांठ के विशेष उपाय का। क्या करें आप? पितरों के निमित्त कपूर से चंदन जलाकर धूप करें, इससे सम्मान में वृद्धि होगी। तो चलिए बात करते हैं राशि नंबर 9 धनु यानी कि सेजिटेरियस की। आज का दिन बेहतरीन रह सकता है आपके लिए। आज खर्चे कम होंगे और धन लाभ के नए रास्ते भी खुलेंगे। परिवार के किसी सदस्य से आज अनबन भी हो सकती है, सावधान रहना है आपको, और आप थोड़ा सा अशांत भी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आपके अधूरे हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा भी आज वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, शुभ समय रहेगा शाम को 4:30 से शाम 6 बजे तक का और उपाय के तौर पर शिवालय में गुड़ चने का भोग लगाएं। बात करते हैं 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लेंगे। आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। मीडिया से जुड़े लोग को अच्छा आज परफॉर्मेंस रहेगा। किसी बड़े न्यूज चैनल से आज आपको जॉब ऑफर भी मिल सकता है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर, शुभ समय रहेगा शाम को 3 से 4:30 बजे तक का और उपाय के तौर पर दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। आज का दिन सकारात्मक रह सकता है आपके लिए। आज पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। परिवार में माहौल खुशनुमा बना रह सकता है। ये खुशी नन्हे मेहमान के आने से भी हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, वहां आप आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी उत्तर,
और शुभ समय रहेगा शाम को 3 से 4:30 तक, और उपाय के तौर पर रुद्राक्ष की माला से ओम अघ्नाय नमः इस मंत्र का जाप करें। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी पाइसिस की। मीन राशि वालों, आज आप तरोताजा महसूस करेंगे, हर काम को जल्दी से निपटा लेंगे। शाम को परिवार के साथ सैर पर भी आप जा सकते हैं, इससे आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ दिशा रहेगी आपकी उत्तर पूर्व, और शुभ समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 तक का, और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल चढ़ाएं। तो अब समय है आज के महाविशेष उपाय का, वो उपाय जो आपके जीवन की खास समस्या को दूर भगाए। क्या करें आप, पीतल के बर्तन में दूध शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, से दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब अपने मित्र अपने सखा कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ तो बेहतर हो। लेकिन जाने से पहले आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी समस्या में हैं तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल्स, अपने जन्म विवरण जरूर लिखें, 7x7 के अंदर अपनी समस्या और अपना टेलीफोन नंबर, हम आपसे लाइव सेशन पर सीधे रूबरू होंगे। और खास बात क्या, कुंडली टीवी के YouTube चैनल को और कुंडली टीवी के Facebook पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, नमस्कार।